हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह न्यूमेरिकल्स हर एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, खास करके अभी एएलपी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 10+2। तथा छोटे स्तर पर अगर इसे देखा जाए तो यह 10 क्लास के लेवल पर भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था जिसमें कि 2 वोल्ट के 3 बैटरी जो है जुड़े हुए हैं, और इसमें कहा गया है कि एक 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम का प्रतिरोधक है, और उसे प्लग कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। धारा का मान निकालने के लिए बोला गया है। इसका मतलब हमें अरेंज करके ये बताना है कि किस प्रकार से है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 3 रेसिस्टेंस को, 3 रेसिस्टेंस है आपके बीच में यहाँ पर, तो 3 रेसिस्टर्स को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया गया और बोला गया कि इसमें बैटरी जोड़ा गया है, जिसका कि वोल्ट में जो इसका जो मान है वो बोला बोला जा रहा है कि 2 वोल्ट का है। ये बैटरी जो है 2 वोल्ट का जोड़ दिया गया है, और एक कुंजी लगा दी गई है, स्विच लगा दिया गया है। इसमें करंट फ्लो होगा, और इस आई का वैल्यू, अगर आई करंट फ्लो होगा तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू रख दीजिएगा कि ये 5 ओम का है, ये 8 ओम है, और फिर ये आपका 12 ओम का है। आई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये चूंकि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आर इक्वल टू होता है, आर का जो वैल्यू होता है आर इक्वल टू होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं यहाँ पर आर का वैल्यू इस सब के बदले में, तो 5 + 8 + 12 इन सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 25 ओम। 25 ओम आएगा वैल्यू। आर के वैल्यू रख देने के बाद ओम के नियम से हम जानते हैं कि ओम में आई वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, आई बराबर हो गया वी वटा आर, और यहाँ पे वी का वैल्यू जो है वो 2 और यहाँ पे 25। तो ये अगर इसको आप कटाते हो आई का वैल्यू को निकालने के लिए, तो इसे डिवाइड करोगे। इसे अब डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए यहीं पर इसे डिवाइड करते हैं और देखते हैं 2 को 25 से जब डिवाइड करते हैं तो ये छोटा पड़ गया, पॉइंट देने के बाद ये छोटा पड़ जाता है। तो आप एक और यहाँ पे पॉइंट दोगे, तो जैसे ही ये पॉइंट देने के बाद एक जीरो और जीरो आ गया, तो ये कितनी बार में कटेगा, जैसे आप 4 बार में कटा सकते हो, तो 4 बार में आप इससे कटाओगे, और नहीं इसको 8 बार में आप कटाओगे, 4 बार में तो 100 ही आएगा, तो 200 आया और ये समाप्त हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू आया 0.08, 0.08 जो है इसका वैल्यू आता है आपका एम्पियर, एम्पियर में इसका वैल्यू इतना आ गया। अगला देखते हैं, आगे हमारा 2 नंबर सवाल है। इसमें 176 ओम प्रतिरोध कि कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि इसका वोल्टेज का जो वैल्यू है पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से आपका 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो अब पार्श्व क्रम में आप इसको ऐड करोगे और पार्श्व क्रम में ऐड करके इसके वैल्यू को निकालेंगे। पार्श्व क्रम में ऐड करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकालने के लिए, एक रेसिस्टेंस के वैल्यू को निकालने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो निकालते हैं वो आर इक्वल टू आर बाई एन करके इसका फॉर्मूला है, जिसमें कि आप इसे निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसे जानते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो आई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 एम्पियर, यहाँ पर वी का वैल्यू दिया हुआ है,
यानी कि विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है वी 220 वोल्ट, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सारे रेसिस्टेंस के बदले में एक ही रेसिस्टेंस जिसका इस्तेमाल किया गया, कितना रेसिस्टेंस है वो तो नहीं लेकिन टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कितना है। अब इसका वैल्यू को निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि एक एक इक्विवेलेंट का निकालते हैं, सिर्फ एक आर का वैल्यू इन सबसे निकल जाएगा। हम जानते हैं ओम्स लॉ से, ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वी इक्वल टू आई आर। तो यहां पर हमें आर निकालना है, एक रेसिस्टेंस का वैल्यू जो इसमें जुड़ा हुआ होगा वो निकालना है हमें। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वी बटा आई, तो वी का वैल्यू है इसमें इतना बटा ये, कटा देंगे इसको, कटाएंगे तो आप 44 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इससे जो रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 44 रेसिस्टेंस, 44 एम्पियर का जो है एक रेसिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ है। टोटल रेसिस्टेंस जो पार्स क्रम में जुड़ने के बाद इसमें संयोजित किया गया तो उसमें इतना आया है। तो बोला जा रहा है कि इसे जो पार्स क्रम में संयोजित किया गया है तो आप ये बताइए कि कितने इसमें जोड़े गए हैं रेसिस्टेंस, कितने जोड़े गए हैं प्रतिरोधक। तो अगर मान लिया जाए कि प्रतिरोधक की जो संख्या है इसमें अगर n हो तो यहाँ पर कैपिटल R इक्वल टू आ जाएगा आपका R बाई n यहाँ पर, तो यहाँ पर R बाई n आ गया। तो कैप यहाँ पर R के वैल्यूज को क्या रखे हैं, ये वाला R का वैल्यू जो है अभी आप निकाले हो, इसका वैल्यू आप क्या निकालेंगे इसका वैल्यू, तो 44। और यहाँ पर जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो सब का वैल्यू जो है दे दिया गया है, इतने इतने प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में, बोला इतने पर इतने ओम के प्रतिरोध को कितना पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, तो प्रत्येक का ये हो गया। और ये जो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे इसको तो इसका वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर इसके वैल्यू को डाल देंगे बाय एन, एन को इस साइड रखेंगे वन बटा इतना, और जब इसे आप कटाओगे, जैसे ही कटाएंगे ये तो आपका आएगा फोर। तो यहाँ पर टोटल जो पार्श्व क्रम में इस तरह के प्रतिरोध को जोड़ेंगे, इस तरह के प्रतिरोध को जो जोड़ेंगे, इसे आर यहाँ पर स्मॉल आर लिख देते हैं इसे, इस तरह के जो प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जो जुड़ेंगे वो कितने होंगे, इस तरह के प्रतिरोध चार होंगे। टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो है इस इतने ओम के प्रतिरोध कितने होंगे, फोर होंगे, और एक का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 44 ओम होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर इतना आया है उस सब के बदले में। अगर समांतर क्रम में ना हो करके अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो इसका मान बड़ा होता। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि 4 ओम का प्रतिरोध है और प्रति सेकेंड जो है प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध के दोनों सिरों से विभवांतर को ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है कि आप विभवांतर को ज्ञात करिए, किसका विभवांतर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे देखते हैं यहाँ पर, तो विभवांतर का मान निकल जूल के रेट में, इसमें जूल के रूप में दिया गया है, तो इसे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। हम लोग एक पहले जितना दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू है इतना 4 ओम। अब यहाँ पे जूल के दर के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे वाट दिया हुआ है, शक्ति दी गई है, शक्ति दिया गया है 100, ठीक है, वाट 100 वाट है यहाँ पर शक्ति है वो। अब इसे निकालते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल टू यानी पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर, ये सूत्र है आपका शक्ति का, इलेक्ट्रिकल शक्ति का। तो P इक्वल टू आ गया, तो हमें तो ये पता है इसका वैल्यू,
इसका वैल्यू जब पता है इसका वैल्यू रख देंगे हम 100। अबे में बी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता तो वी को रहने देंगे, और आर का वैल्यू है हमें पता, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो है 20 क्या हो गया आपका, यहाँ पे 20 आपका क्या हो गया, 20 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि विभवांतर हो गया, यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। आगे चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एक बल्ब जो है जिस पर 100 वाट, ये अक्सर आता है, एक बल्ब जो है 100 वाट लिखा हुआ है उसके ऊपर शक्ति उसकी, और उसमें लिखा हुआ है 200 वोल्ट अंकित किया हुआ है। बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित धारा तथा इसका प्रतिरोध ज्ञात करें यह निकालने के लिए हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डब्ल्यू यानी शक्ति इक्वल टू 100 वाट, वी का वैल्यू दिया हुआ है ना वोल्ट। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू निकालना है अंकित के बाद, आई का यहाँ पे वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, और आर का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, ये दो का वैल्यू निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, आई फॉर्मूला होता है, चूंकि आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, क्योंकि शक्ति इक्वल टू होता है आई इंटू वी, तो यहाँ पे आई इक्वल टू, तो डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ठीक है, और वी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो कट गया और आया आपका 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर आ चुका है, तो ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं, आई बी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आप जानते हैं आई आर, तो हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वटा आई। तो यहाँ पर वी का वैल्यू है 200 और ये आई का वैल्यू आया 0.5, ये पॉइंट कोड आएंगे यहाँ पर देंगे और इसे कटा देंगे इससे, तो ये कितनी बार में कटेगा, 400 बार में, तो इसका जो रेसिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 400 हो गया यहाँ पर, तो 400 रेसिस्टेंस इसका हो गया 400 ओम। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आपके बीच जो सवाल बताए न्यूमेरिकल्स वो 4 बताए। आगे के वीडियोस में मैं और भी न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।